गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ मैक्स डिवाइन एजुकेशनल हब। आई होप यू आर ऑल फाइन। दिस इज़ रूमा, आई एम योर उर्दू टीचर। योर उर्दू क्लास हैज बीन स्टार्टेड। बच्चों, आज हमारा सबक नंबर 3 है, दिलचस्प कहानी। बच्चों, हम इस सबक में एक दिलचस्प कहानी, इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबक को शुरू करने से पहले हम सबक पर एक नज़र डाल लेते हैं। मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग इस कहानी के मुसन्निफ़ हैं, यानी मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग ने इस कहानी को लिखा है। वो उर्दू के मुमताज़ नसर निगार व मज़ा निगार हुए हैं। वो अपने मखसूस अंदाज़ में दिल्ली की बोलचाल की ज़बान इस खूबसूरती से लिखते हैं कि पढ़ने वालों को मज़ा आता है और ऐसा लगता है जैसे कोई सचमुच हमारे सामने बैठा मज़ेदार कहानी सुना रहा हो। उन्होंने इस कहानी में जाड़े, गर्मी और बरसात की अच्छाइयों और बुराइयों को अपने मखसूस दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। बच्चों, इस कहानी को मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग ने लिखा है, ठीक है? मिर्ज़ा फरतुल्ला बेग इस अंदाज से लिखते हैं कि पढ़ने वालों को मज़ा आ जाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई सचमुच हमारे सामने बैठा मज़ेदार कहानी सुना रहा हो। बच्चों, उन्होंने इस कहानी में जाड़े, गर्मी और बरसात की अच्छाई और बुराइयों को अपने मखसूस दिलचस्प अंदाज में पेश किया है। हिंदुस्तान में 3 मौसम होते हैं। बच्चों, हिंदुस्तान में 3 मौसम होते हैं, मौसम सरमा, मौसम गर्मा और बरसात। उसके अलावा एक और मौसम भी कई मुल्कों में होता है जिसको मौसम बहार कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम अपने सबक को शुरू करते हैं। सबक की पहली लाइन है कि एक बुढ़िया बयाबान जंगल में, जहाँ ना आदमजाद एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी थी। बच्चों, एक ज़यीफ़ औरत होती हैं, वो घने जंगल में अकेली पेड़ के नीचे बैठी होती हैं। खुदा का करना क्या हुआ कि उन्हीं दिनों जाड़ा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हुआ। बच्चों, उन्हीं दिनों क्या है, जाड़ा, गर्मी और बरसात में झगड़ा हो जाता है। जाड़ा कहता मैं अच्छा, गर्मी कहती मैं अच्छी, बरसात कहती मैं अच्छी। आखिर ये सलाह हुई कि चलो चलकर किसी आदमजात से पूछे। वो तीनों झगड़ा करते हैं, वो कहते हैं कि मैं अच्छी कहते हैं। तो फिर ये मशवरा हुआ कि चलो किसी आदमजात यानी किसी इंसान से हम पूछ लेते हैं। उनका जो इधर गुजर हुआ, तीनों ने कहा लो भाई, वो सामने एक बुढ़िया बैठी है, चलो उससे पूछें। सबसे पहले मियाँ जाड़े आए, सबसे पहले उस बुढ़िया के पास मियाँ जाड़े जाते हैं। गोरी गोरी रंगत, कले ऐसे जैसे अनार का दाना, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, मोटा सा रुई का दुगला पहने, खूब ओढ़े लिपटे आए। उनका आना था कि बड़ी बी को थर थरी छूट गई। जैसे ही जाड़े उनके पास जाते हैं तो जो ज़यीफ़ औरत हैं उनको ठंड लगने लगती है। मियाँ जाड़े ने आकर कहा बड़ी बी अस्सलाम। बड़ी बी ने कहा जीते रहो, बाल बच्चे खुश रहें, मगर बेटा ज़रा धूप छोड़कर खड़े हो, मुझे तो तुम्हारे आने से कपकपी लग रही है। ये सारी बातें उन दोनों के बीच में हो रही हैं बच्चों। खैर, मियाँ जाड़े ज़रा हटकर खड़े हुए और कहा बड़ी बी एक बात पूछूं। बड़ी बी ने कहा हाँ बेटा, ज़रूर पूछो। मियाँ जाड़े ने कहा बड़ी बी जाड़ा कैसा है? उन्होंने कहा, जाड़े ने उन ज़यीफ़ औरत से पूछा कि बड़ी बी ये बताइए जाड़ा कैसा है, जाड़ा कैसा लगता है? बड़ी बी ने कहा बेटा जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। तभी वो कहती है बेटा जाड़े का क्या कहना, वो तारीफ़ करने लगती हैं, कहती हैं सुभान अल्लाह, महावट बरस रही है, यानी बूंदे बरस रही हैं, यानी ठंड की जो बारिश है वो हो रही है। दालानों के पर्दे पड़े हैं, यानी घर के जो दालान होते हैं उनमें पर्दे पड़े हुए हैं ठंड की वजह से। अंगीठियां सुलग रही हैं, लिहाफ़ों में दुबके पड़े हैं, चाय बन रही हैं, खुद पी रहे हैं, दूसरों को भी पिला रहे हैं। बच्चों, जाड़ों की वजह से ऐसा ही होता है कि अंगीठियां भी सुलगती हैं, लिहाफ़ों में हम लोग दुबके पड़े रहते हैं, चाय पीते हैं, खुद भी पीते हैं और दूसरों को भी पिलाते हैं। सुबह हुई और चने वाला आया, गरम गरम चने लिए, तरह तरह के मेवे आ रहे हैं। ये सारी बातें बच्चों वो बुढ़िया जो है जाड़े से कहती हैं। सब मज़े ले लेकर खा रहे हैं, हलवा सोहन बन रहा है, बाजरे का मलीदा बन रहा है, रस की खीर पक रही है, इधर खाया इधर हजम, खून चल्लू बढ़ रहा है, चेहरे सुर्ख हो रहे हैं, बेटा जाड़ा, जाड़े का क्या कहना, सुभान अल्लाह। बच्चों, वो ये सारी तारीफ़ें
जाड़े के मौसम की करती रहती है, क्योंकि जाड़े के मौसम में हम इधर खाते हैं, इधर पीते हैं, खूब खाते पीते रहते हैं। वो इतनी तारीफ़ कर रही हैं तो वो कहती हैं सुभान अल्लाह, इस मौसम का तो क्या कहना। मियाँ जाड़े थे कि अपनी तारीफ़ें सुन सुनकर फूले ना समाते थे। जब मियाँ जाड़े ने अपनी तारीफ़ें सुनी तो वो फूले नहीं समा रहे थे बच्चों। जब बड़ी बी चुपकी हुई तो मियाँ जाड़े ने कहा, बड़ी बी खुदा तुमको ज़िंदा रखे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ये लो 1,000 अशरफियाँ की थैली, खर्च हो जाए तो अगले जाड़े मुझसे और आकर ले जाना। बच्चों जब उन्होंने अपनी तारीफ़ सुनी तो उन्होंने उस बुढ़िया को 1,000 अशरफियों की थैली दे दी। उन्होंने कहा कि खर्च हो जाए तो अगले जाड़े मुझसे आकर ले जाना, ठीक है। मियाँ जाड़े हटे और गर्मी मटकती हुई सामने आई। तभी मियाँ जाड़े चले जाते हैं और सामने से गर्मी मटकती हुई आ जाती हैं। रोशन आंखें, लंबी काली चोटी, गले में मोतियों का कंठा, हाथों में मौसरी की लड़ियां जिसमें किरण टकी हुई, हर डोरे की प्याज ओढ़नी गर्ज, बड़े ठसे से आई और आते ही कहा, नानी जान सलाम। उन्होंने आते ही कहा कि नानी जी सलाम, मैं ये पूछने आई हूँ कि नानी जान गर्मी कैसी। उन्होंने कहा, मैं ये पूछने आई हूँ नानी जान गर्मी कैसी है। बड़ी बी ने कहा, बेटा गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। तभी बच्चों वो गर्मी की भी तारीफ़ करने लगती है। वो कहती हैं, गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। दिन का वक्त है, खस दालानों में पड़े हैं, पंखे झले जा रहे हैं, मतलब जब गर्मी लगती है तो पंखे से हवा होती है बच्चों। बर्फ़ की कुल्फियाँ खाई जा रही हैं, मतलब ठंडी ठंडी कुल्फियाँ भी खाई जाती हैं। फसल के मेवे आ रहे हैं, पतली पतली लकड़ियाँ हैं। शाम को उठे, नहाए धोए, सफ़ेद कपड़े पहने, खस का इतर मिला, सहन में छिड़का हो गया। घड़ोंचियों पर कोरे कोरे मटके रखे हैं, रात हुई कोठों पर पलंग बिछे गए हैं। बेटा गर्मी का क्या कहना, सुभान अल्लाह। बच्चों ये सारी बातें जो हैं वो गर्मी की तारीफ में वो बुढ़िया जो हैं उनसे कहने लगती हैं। भी गर्मी का ये हाल था कि तारीफ़ें सुनती जाती थी और निहाल होती जाती थी। बच्चों गर्मी भी जब गर्मी ने भी अपनी तारीफ़ें सुनी तो वो भी फूले नहीं समाई और खुश होती जाती थी। जब बड़ी भी तारीफ़ करते करते थक कर चुप हो गई तो भी गर्मी ने चुपके से निकाल कर 1,000 अशरफी की थैली उनके हाथ में दी और कहा। तब उन्होंने बच्चों अपनी तारीफ़ें सुनी तो उन्होंने भी 1,000 अशरफी की जो थैली थी उनके हाथ में दी और कहने लगी, नानी जान खुदा तुम्हारे भला करे। वो कहने लगी, नानी जान खुदा तुम्हारा भला करे, तुमने आज मेरी लाज रख ली। मैं हर साल आया करती हूँ, जब आऊँ जो लेना हो मुझसे बेखटके ले लिया कीजिए, भला आप जैसे चाहने वाले मुझे मिलते कहाँ हैं। बच्चों ये सारी बात किसने कही, बुढ़िया से, गर्मी ने, ठीक है। भी गर्मी ज़रा हटी थी कि बरसात खानम छम छम करती पहुंची। बच्चों गर्मी जब चली जाती हैं उसी के उन्हीं के पीछे पीछे बरसात भी छम छम करती पहुंच जाती हैं। सांवला नमकीन चेहरा, रोशन आंखें, भूरे बाल, उनमें से पानी की बारीक बारीक बूंदें इस तरह टपक रही थी जैसे मोती। हाथों में धानी चूड़ियाँ, गर्ज उनके आते ही बरखा रुत छा गई। बच्चों जैसे ही बरसात आई तो उनके आते ही बरखा रुत छाने लगी हैं। उन्होंने बढ़कर कहा, अम्मा जान सलाम। बड़ी बी ने कहा, बेटी जीती रहो, हो ना हो तुम भी गर्मी की बहन बरसात खानम हो। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है तुम हो ना हो तुम भी गर्मी की बहन लगती हो, बरसात खानम हो। भी बरसात ने कहा, जी हाँ मैं भी पूछने आई हूँ कि मैं कैसी हूँ। कहना उन्होंने कहा कि मैं भी ये पूछने आई हूँ कि मैं कैसी हूँ, यानी मैं बरसात कैसी हूँ। बड़ी बी ने कहा, बी बरसात तुम्हारा क्या कहना। बच्चों वो भी बरसात की तारीफ़ करने लग जाती हैं। वो कहती हैं कि तुम ना हो तो लोग जिए ही कैसे, मैं छमछम बरस रहा है, यानी बारिश पड़ रही है, बागों में खम गड़े हैं, झूले पड़े हैं, औरतें हैं के हाथों में मेहंदी है, सुर्ख सुर्ख जोड़े धानी चूड़ियाँ पहने झूल रही हैं। बच्चों बरसात का मौसम होता है तो धानी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं और झूले भी झूलते हैं। कुछ झूल रही हैं, कुछ झूला रही हैं, मल्हार गाए जा रहे हैं,
उदी उदी घटाएं आई हैं, बरसात भई बरसात का क्या कहना, सुभान अल्लाह। बच्चों बुढ़िया जो थी वो भी बरसात की खूब तारीफ़ें करने लग जाती हैं। जैसे उन्होंने जाड़े की तारीफ़ की थी, गर्मी की तारीफ़ की थी, उसी तरह से वो बरसात की भी तारीफ़ करने लगती हैं। बी बरसात ने भी 1,000 की थैली बड़ी बी को नज़र की और रुखसत हुई। और बरसात ने भी बच्चों 1,000 की जो थैली थी अशरफियों की वो भी उनको दे दी और वहाँ से चली जाती हैं। शाम हो चली थी, बड़ी बी थैलियाँ समेट समाट खुशी खुशी घर आ गई। वो समेट कर अपनी सारी थैलियाँ लेकर घर आ जाती हैं, घर में बाहर आ गई। ठीक है बच्चों, फिर घर में बाहर आ जाती है। तो इसी तरह बच्चों हमारा आज का यही टॉपिक यहीं ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में इस सबक को पूरा करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।